तो ऐसा करेंगे कि देखने वाला ये दंग हो जाएगा कि भजन ये जेन्युइन होंडा अप्लाइड फॉर कर दी इन्होंने, स्क्रैप है ठीक है और कबाड़िए को देने वाला हुआ है। ओ हो 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 ओ ताहर भाई क्या हुआ, की क्यों मारा, पुराने दौर में आ गए हो। अस्सलाम वालेकुम ताहर भाई, क्या हाल है। वालेकुम सलाम फैसल भाई, अल्लाह का शुक्र आप सुनाए ठीक ठाक हैं। अल्लाह का बहुत शुक्र है, बहुत करम है सर तुसी दुआएं हैं। तो आज फिर अपने प्यारे व्यूअर्स के लिए होंडा 125 लेके आए हैं रिस्टोर करने के लिए। जैसे हमने एक पिछली वीडियो में 12 मॉडल होंडा बनाया था, रिस्टोर किया था, तो उसी में उसी वीडियो को देखकर एक कस्टमर हमारे पास आए हैं बड़े प्यारे से, तो उन्होंने कहा ताहिर भाई हमें सेम ऐसा बना के देना है जैसे कि होंडा के शोरूम से बाइक निकलती है। जो लास्ट वीडियो में हमें बनाया था 12 मॉडल, ये वही वीडियो देखे आए हैं भाई। जी ये वही वीडियो देखे आए हैं और मॉडल है 13। नंबर दिखाने का मकसद क्या है ये आप लोगों को पता चल जाएगा जब ये तैयार होगा, ठीक है। तो इसकी सेम यही नंबर आएगा, यही नंबर आएगा इंशाल्लाह। इसकी कंडीशन दिखा रहे हैं, इसकी आप कंडीशन चेक करें जरा, इसका हाल क्या हुआ भाई ये देखें, ठीक है, बिल्कुल स्क्रैप, जगह जगह से ऑयल लीक हो रहा है, सीधे लीक है, ये देखें इंजन की ये वो हर जगह से। और इंशाल्लाह हमने इसको ऐसा बनाना है कि देखने वाला यही कहेगा, एक दफा जिसका होंडा ना फैसल भाई वो भी परेशान हो जाएगा कि भाई ये 125 मेरा नहीं है। सही है, जबरदस्त हो गया। तहर भी ये कितने दिनों का प्रोसीजर है, ये देखें जी, ठीक है, ये चेक और ये देख लो अभी इसका नीचे ऑयल गिर रहा है, ये सारा कुछ बंद करेंगे भाई, ये इसको ऐसा करेंगे कि देखने वाला ये दंग हो जाएगा कि भजन ये जेन्युइन होंडा अप्लाइड फॉर कर दी इन्होंने। ये जितना जूम करके मैं दिखा रहा हूँ इंशाल्लाह तैयार होने के बाद भी ऐसे ही दिखाएंगे जी इंशाल्लाह, क्यों नहीं, फटा हुआ है, गली हुई है फैसल भाई, गली हुई है, रफ यूज हुआ भाई, ये देखें डेंट पड़े हैं सिलेंसर पे, खराब है सारा बिल्कुल, ये समझ लें कि स्क्रैप है, ठीक है, और कबाड़िए को देने वाला हुआ है, मगर हम कबाड़िए को के पास जाने नहीं देंगे ना जी ना, हम ये सारा सामान यही रिस्टोर करेंगे, ये रिस्टोर और जो नए लगने वाला होगा उसको इंशाल्लाह एड्रेस होने का जेन्युइन ओरिजिनल बिल्कुल मरगाड़ इसके गल गए इसको नहीं डालेंगे, बाकी जो सामान रिस्टोर होने वाला उसको रिस्टोर करेंगे, ठीक है, और इसको ऐसा बनाएंगे कि एक दफा ये भी मिसाल होगी जैसे हमने 12 मॉडल तैयार किया था, इंशाल्लाह इसको भी वैसे ही तैयार करेंगे और लोग कहेंगे भजन ये नया ही है, अब शोरूम से ही निकला है, अब इसको करते हैं स्टार्ट। ओ हो 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 ओ ताहर भाई क्या हुआ, की क्यों मारा, पुराने दौर में आ गए हो। अंकल टीपू सुल्तान चाचा सलाउद्दीन अयूबी, और वाह जी वाह, बाकी उनकी सल्तनत तो हम देखे पुराने दौर में आ गए होंडा तैयार करके, लोग नए नए दौर में जाते हैं हम पुराने दौर में जा रहे हैं। ये किक्का कमाल है सारा भाईजान, किक्का कमाल है और हमारा कमाल है ओए होए, जो कि हमने बना दिया है, ये देखें मैं कहता हूँ मजा आ जाएगा फैसल भाई, ये देखें कमाल है यार, ये किक मार दी सारा कुछ चेंज हो गया, ये फैसल भाई कमाल है, कमाल के साथ जमाल भी है, ये दो भाई हुए थे कमाल और जमाल, ठीक है, ये देखें मैं कहता हूँ मजा आ जाएगा। सबसे पहले नंबर दोस्तों को दिखाएं, नंबर तो सबसे पहले दिखाना बनता है फैसल भाई, इंशाल्लाह जिनकी बाइक है आपके साथ उनका भी बात करवाएंगे, ठीक है, जिनकी बाइक है वो भी साथ ही आज मारे हैं, ठीक है, तो इंशाल्लाह वो तो नहीं झूठ बोलेंगे, तो जरा उनको भी थोड़ा सा हैरान करेंगे ना, उनको होंडा दिखाएंगे फिर वो आपको बताएंगे कि होंडे को कैसा लेके आए थे, हमने कैसा बना दिया, तो इंशाल्लाह वीडियो चल रही है तो इंशाल्लाह आपको साथ साथ सारा कुछ दिखाते हैं। बुलाएं भाई को, बुलाएं पहले उनको, उनसे कमेंट पास करते हैं। जी भाई जान अस्सलाम वालेकुम, जी भाई जान ये मार्शल भाई पास हो जाएं, सही है, तो सबसे पहले सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कहाँ से आए हैं आप। मैं जुबली टाउन लाहौर से आया हूँ, ठीक है, मैं अक्सर आप लोगों की वीडियोस देखता था, लॉरी ड्राइव देखता था, सही है, भाई को देखता होता था, तो उसी से फिर शौक चढ़ा, जब जिन्होंने जफर भाई की लास्ट टाइम मेरे बाइक तैयार कराई है, ठीक है, तो उनसे फिर मैं मॉडिफाई तो सारे करते होते हैं, जेन्युइन में कोई कोई तैयार करता है, बिल्कुल, फर्स्ट टाइम लाहौरी ड्राइव पे देखा था कि जेन्युइन तैयार होगी, वो मेरी हमारी फर्स्ट वीडियो थी, मेरा रीस्टोर की, बिल्कुल हमारी पहली वीडियो थी वो जिसको आपने देखा माशाल्लाह बड़ा पसंद किया आप लोगों ने, तो उसी वीडियो को मद्देनजर रखते हुए आप हमारे पास आए हैं होंडा लेके, तो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं कि होंडे की पहले हालत कैसी थी और अब इंशाल्लाह तो कैसी है, बहुत खराब थी, अभी तो माशाल्लाह बहुत बेहतर है, अभी तो ऐसे महसूस ही नहीं हो रहा कि ये दोबारा, तो भाई जान अगर हम इसकी नंबर प्लेट लगा उतार दें तो आपको लगेगा ये शोरूम से निकला बाहर, ऐसी है हकीकत है, सही हो गया, चलें ठीक है, थैंक यू, इंशाल्लाह रिव्यू हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो जी फैसल भाई अब आपको बताते हैं कि हमने इसको कैसा तैयार किया, इसमें क्या क्या लगाया, तो इंशाल्लाह सबका रिव्यू करवाता हूँ मैं आपके साथ, तो सबसे पहले आ जाते हैं इसकी खूबसूरती, इसकी फिनिशिंग, मेरा ख्याल है यार कोई बंदा साबित कर दे ये प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक है, इसमें हमने इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से कोई कसर नहीं छोड़ी, ठीक हो गया,
सबसे पहले मीटर से शुरू करते हैं जी। सबसे पहले मीटर आ गया जी, होंडा कंपनी का जी, ओरिजिनल है, ओरिजिनल मीटर। ये कंपनी की मोहर है भाई जान, ये देखे आल्सन, ठीक है, ये सबसे बड़ी निशानी है होंडा कंपनी की, मोहर लगी होती है इनकी आल्सन। दो कंपनी के मीटर आते हैं, आल्सन और एसीएल, ठीक है। आल्सन की मोहर है फसल भाई इसके ऊपर। अब इसको लगाते हैं बड़े स्टैंड पे, ये देखें जी। अच्छा, उसके बाद फ्यूल टैंक, फ्यूल टैंक रीस्टोर किया है या नया डलवाया? फसल भाई रीस्टोर किया। अच्छा, वही फ्यूल टैंक पुराने वाला, वो हमने रीपेंट किया दोबारा। जी जी, रीपेंट किया है। और मेरा ख्याल है कोई अगर किसी को कहेंगे ना हमने जीरो मीटर लेके लगाई है होंडा वालों से, तो भजन वो कहेंगे हाँ जी ऐसे ही आप सच्चे हो हैं। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो हमने रीस्टोर किया है वही बताएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। इसकी सीट भी रीस्टोर की है, ठीक है। ये देखें, यानी कि रीस्टोर किया, नई नहीं डलवाई? ना जी ना, हमने काम ऐसा करना है भजन, कस्टमर को चाहिए क्वालिटी, ठीक है। तो क्वालिटी तो ही डेकोरेशन से ही मिलेगी सिर्फ इंशाल्लाह, उनके मेयार के मुताबिक, ठीक है। चैन कवर नया डाल दिया था, इसका थोड़ा थोड़ा खराब था, ये जीरो मीटर लेके डाल दिया था, ठीक है, होंडा वालों का, होंडा वालों का। इंजन इसका जेन्युइन है, ठीक है। इंजन हमने इसका नहीं खोला, हेड स्टैंड का काम किया है, ठीक है। क्लच प्लेटें वगैरह डाली ताकि इसकी होंडे की पिक बने, ओके। ये इसका रिस्टोर हुआ है, ठीक है। टेक इसकी रिस्टोर हुई है, ओके। उसके बाद ये देखिए, इसका मैग्नेट टापा आ गया, ये भी रिस्टोर हुआ है, ठीक है। ये लीवर नया डाल दिया हमने, सही है। साइड स्टैंड नया डाल दिया, ठीक है। ये भी रिस्टोर हो गया, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं जी टैंकी टापों की जो बात हो गई हमारी, ये इसका टापा होता है ऊपर टॉप वाला, ठीक है। ये भी रिस्टोर किया हमने, उसके बाद इसके आ जाते हैं जो इसकी चेसी जो फ्रेम है ये जी, चेसी इसकी हमने रिस्टोर किया, वही रंग करवा दिया, इसको जीरो मीटर कर दिया। हर भी बात आती है पेंट की, पेंट हमने इसमें कौन सा किया? पेंट हमने स्पेशल किया भट्टी का, आम पेंट हम नहीं करवाते क्योंकि भाई जान ये 10 साल बाद भी पेंट इसका ऐसे ही रहेगा अगर आप पॉलिश वगैरह मारते रहे, केयर करते रहे तो। उसके बाद बात आ जाती है ग्रिप्स की, ये भी नए डाल दिए, लीवर नए डाल दिए, सही है। असेंबली सेट नया डाल दिया, ठीक है। हैंडल इसका रिस्टोर किया है, मीटर इसका जैसे ब्रांड न्यू है लेकिन हमने रिस्टोर किया है इसको, हां जी रिस्टोर किया है फसल भाई, ठीक है। मीटर इसका नया डाल दिया ऑलसन का, ठीक हो गया, ठीक है जी। ये इसके जो गुटके लगे हुए हैं चेक करें, चमचम आ रहे हैं, ये भी रिस्टोर किया है हमने। कहता हूं फसल भाई, यानी कि ओरिजिनल में होंडा रिस्टोर हुआ है ये फसल भाई, सच की बात कर रहा हूं। मेरा ख्याल है मैं अगर कहूं ना इसके ऊपर 2 लाख रुपए लगा है तो सामान के साथ जितने की बाइक हो गई है मानेंगे लोग, क्योंकि इसकी कुछ चीज लगी नहीं रही पुरानी है, सही है। लेकिन 2 लाख नहीं लगा? नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। वो तो भी हम बताएंगे कि पैसे कितने लगे हैं, ठीक है। लाइट इसकी जीरो मीटर डाल दी है? नहीं डाली है। इंडिकेटर इसके जीरो मीटर डाल दी है, सही है। मडगार्ड इसके नए डाले हैं, ओके। ये शॉक ग्लासियां इसकी नई डाल दी है, ठीक है। मोनोग्राम इसका नया डाल दी है, यहाँ तक ये नंबर प्लेट भी नहीं डाल दी है, नहीं डल गई है, ठीक ठीक ठीक। ये फैंसी नंबर प्लेट लगेगी तो नहीं बनेगी ना फैसल भाई, ऐसे ही है। ये भी हो गई। उसके बाद आ जाए सबसे मेन पॉइंट, ये इसके रिस्टोर की है शॉक। ओ यार मैं कहता हूँ चेक करें फैसल भाई कैमरे में, ब्रांड न्यू, हाँ जी, चमचम करते हुए इसकी हब भी रिस्टोर की है। ओ मैं कहता हूँ इसके रिम भी रिस्टोर कर दिए जाए, गाली मुक गई। ये ब्रांड है ओजे, ठीक है। ये इस होंडे का जेन्युइन रिम था, हम इसको रिस्टोर किया है, ये देखें। ओके, कहता इसकी प्रिंटिंग है पूरी कंपनी की, सही है। ताकि उनकी जेन्युइन चीज को हमने बचाया है, सेफ किया है। कल को कोई कहे ना यार हमने ये बाइक मिसाल के तौर पर सेल करनी है, तो वो जो भी चेक करेगा ना मोरे मोरे चेक करेगा, कहेगा यार वाकई ठीक है, ठीक है। बड़ा संभाल के रखा हुआ जेन्युइन होंडा। और ये टायर, टायर इनका अपना है जेन्युइन, ये आगे वाला फ्रंट वाला अपना है, फ्रंट वाला जेन्युइन टायर है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी, ये भी हमने रिस्टोर किया, टापे मैग्नेट इसका, क्लच का टापा, ठीक है। उसके बाद किक हमने नई डाल दी है, ओके। ये ब्रेक पैडल हमने इसका रिस्टोर किया है। अच्छा, ब्रेक पैडल तक रिस्टोर किया, नया नहीं डलवाया? नहीं, जो चीज हमें पता है कि यार जो जेन्युइन चलती है, जो लोग देखते हैं ब्रेकिए कि यार ये चेक करते हैं इन्होंने लोकल तो नहीं डाला, हमने इसको जेन्युइन को रिस्टोर किया, सही है। अब ये देखें, ये भी पुराना है, रिस्टोर किया, ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल अप्लाइड फॉर बाइक का ये होता है, हाँ जी इंशाल्लाह। उसके बाद सलंसर हमने जीरो मीटर डाल दिया, क्योंकि जब ये हमारे पास आया था इसकी हालत बहुत ही खस्ता थी, ठीक है। तो सलंसर नहीं तो सर सामने निकालना होता है, वो तो पूरी बाइक की हालत ही खस्ता थी ना। मैं कहता हूँ स्क्रैप वाला साफ था, लेकिन हमें वो टारगेट मिला हुआ था, ठीक है। वो नीचे वाली जो ब्रेक के लिए है, ब्रेक के लिए हमने सारी रिस्टोर की है, सही है। इसकी जितनी ब्रेक के लिए चैन चिड़िए एक्सल ये सारी हमने रिस्टोर की है, जैसे वो ब्रांड न्यू है, ब्रांड न्यू है, पेंट हुआ है, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद ये हाबिस की रिस्टोर हुई है, सही। पीछे वाली भी हाबिस की रिस्टोर हुई है, उसके बाद इशारे इसके नए डाल दिए, उसके बाद ये ब्रैकेट आ गई, ये हमने रिस्टोर की है, ओके। पिछला मडगार्ड नया डाल दिया था, हल्के छोटी चीजें जो होती हैं वो लोग नहीं डलवा लेते, नहीं डलवा लेते, हमें वो सारा रिस्टोर ही किया, रिस्टोर किया है। ये हमने बैकग्राउंड नहीं डाली इसकी फसल भाई, ठीक है। उसके बाद अब पीछे वाला टायर चेक करें, स्पेशल डाला है, वो आम गुड्डी वाला नहीं है, स्पेशल मोटी गुड्डी स्पेशल, ताकि इनका टायर खराब ना हो, पंचर वगैरह जल्दी ना हो, सही। तो टायर हमने नया डाला, एक नया हमने अब टच दिया 125 का, ये नई हम गुड्डी लेके आए हैं टायर की, काफी दोस्तों पसंद की है, बिल्कुल। और लोगों ने मुझसे वैसे बड़ा मंगवाया इसके अलावा, वीडियोस के अलावा लोगों ने कहा हमें पीछे वाला टायर चाहिए 125 का, सही है। तो मैंने वो लोगों को बहुत ज्यादा हमने ना
भेजा है बाहर से। तो तार भाई इसका साउंड तो टेस्ट कराएं दोस्तों को। जी अब आगे इसकी साउंड की बारी आ गई फैसल भाई। बिल्कुल जी। तो ये देखें जी, पैसे तो यहाँ पे पूरे होने हैं ना। बिल्कुल, ये आ गया जी होंडा। साउंड चेक किया फैसल भाई? मैं कमाल हायाबुसा का। हाँ जी, वो अभी बैग थी। ठीक है ले जी। इंजन में पावर है कि नहीं है, ठीक है। सिर्फ बॉडी बना दी है, इंजन बिल्कुल फारिग, वो काम नहीं है। ठीक है। अब ताहर भाई लास्ट में अब बात आती है इसकी प्राइस की। जी फैसल भाई, प्राइस इसकी हमने दिन लगे और कितने इस पे खर्चा आ गया? फैसल भाई इस होंडे पे टोटल जो हमारा खर्चा आ गया विद लेबर, पिछले दफा हमने बनाया था विदाउट लेबर था वो, ठीक है। इस बार विद लेबर हम बता रहे हैं अपने व्यूवर्स को, इसके ऊपर टोटल 80,000 रुपया खर्चा आया है। सही है, टोटल ये प्राइस फोर कर दिया हमने इसको 80,000 रुपये में। बेहतरीन हो गया। अगर कोई बनवाना चाहे तो कैसे आपको देनी पड़ेगी बाइक को, कितने दिन लगेगी? जी फैसल भाई, इन्होंने हमारे पास माशाल्लाह पहले भी काफ़ी बाइक्स खड़ी थी, ठीक है, जिसकी वजह से इनको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दिया है। ये माने तकरीबन 7 से 8 दिन में तैयार किया होंडा। सही हो गया, क्योंकि पहले भी बाइकें खड़ी थी जब ये भाई लेके आए थे मेरे पास, तो मैंने बता दिया था, मैंने कहा यार 4 से 5 दिन तो का टाइम देते हैं, 8 से 10 दिन लगेंगे, लेकिन 7 दिनों में हमने बना के इसको ओके कर दिया और आज अपना होंडा वो लेने भी आए हमें। तो ले फैसल भाई, ये हमारे पास भाई आ गए हैं, तो इंशाल्लाह इनका होंडा हम इनके हैंड ओवर करेंगे माशाल्लाह। ये देखें जी, ये चाबी उतर गई, तो माशाल्लाह ये आपको होंडा मुबारक हो जी आपका। बहुत शुक्रिया, बहुत स्कीम से दिता है, रीस्टोर किया है। हां तो मुबारक ही है ना, ना बस तो नवे बन गए ना। खुश हो गए हैं। कितने में मिल गया? वैसे अप्लाई फॉर कितने में मिल गया इनको? ये जी इनको अप्लाई फॉर होंडा सिर्फ और सिर्फ 80,000 रुपए में मिला। बेहतरीन हो गया। तो इसी खुशी में भाइयों, आप भी इसको रेडी करवा सकते हैं, इस तरह का होंडा पुरानी से पुरानी बाइक लेके आए, इस तरह के लेके जा सकते हैं। तो जितने भी दोस्त वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।